सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कल्चरल कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे तेजी से विकसित हो रहे जिलों में से एक जिला है रायगढ़, जहां हाल के वर्षों में बहुमुखी चहुओर विकास हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं संजीव मिश्रा YouTube चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिला के बारे में बताऊंगा, तो बने रहें इस वीडियो में पूरे लास्ट तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको रायगढ़ जिले की हर वो बातें जिससे आप अनजान हैं वो सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित रायगढ़ जिला उत्तर में सरगुजा और जसपुर जिले से, दक्षिण में महासमुंद जिले से, पूर्व में उड़ीसा राज्य से और पश्चिम में कोरबा तथा जांजगीर चंपा जिले से घिरा हुआ है। रायगढ़ जिले का मुख्यालय रायगढ़ शहर है। दोस्तों, रायगढ़ जिले का टोटल एरिया 7086 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से लगभग 2620 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलों के अधीन आता है। रायगढ़ जिले में 6 सब डिवीज़न, 9 ब्लॉक, 9 तहसील, 761 ग्राम पंचायत और 1485 गांव आते हैं। जहां तक पॉपुलेशन की बात है, तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार रायगढ़ जिले की आबादी 14,93,984 है, जिसमें पुरुषों की आबादी 7,50,278 और महिलाओं की आबादी 7,43,706 है, जबकि इस जिले का जनसंख्या घनत्व 211 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर का है। सेक्स रेशियो की बात करें तो रायगढ़ जिले का सेक्स रेशियो 991 महिला प्रति 1000 पुरुष है। धर्म के आधार पर जनसंख्या की ओर गौर करें तो रायगढ़ जिले में हिंदू 95.25%, क्रिश्चियन 3.19% और अन्य धर्म के लोग 1.56% रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो संपूर्ण रायगढ़ जिला घूमने के लिहाज से बहुत ही बढ़िया है, परंतु रायगढ़ जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्थान जहां पर सैलानियों की भीड़ हमेशा रहती है, उनके नाम हैं राम झरना, गोमर्द अभयारण्य, बंजारी मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, श्याम मंदिर, पहाड़ मंदिर, कमला नेहरू पार्क, इंदिरा विहार और हरितिमा। दोस्तों, 2011 के सेंसस के अनुसार रायगढ़ जिले का लिटरेसी रेट 73.26% है, जहां मेल लिटरेसी रेट 83.49% और फीमेल लिटरेसी रेट 63.02% है। बात अगर शिक्षण संस्थानों की जाए तो रायगढ़ जिले में कई सारे स्कूल्स और उच्च स्तरीय कॉलेजेस हैं, जहां स्कूलों में कार्मेल कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंडियन स्कूल, संस्कार पब्लिक स्कूल, संत माइकल इंग्लिश मीडियम स्कूल, ओपी जिंदल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सालनी कॉन्वेंट स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल, ड्रीम इंडिया स्कूल, न्यू होराइजन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जबकि कॉलेजों में रायगढ़ मेडिकल कॉलेज, रायगढ़ सिटी कॉलेज, किरोड़ीमल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट PD कॉलेज, गवर्नमेंट आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, रायगढ़ किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बतमूल आश्रम महाविद्यालय जैसे शानदार शिक्षण संस्थान शामिल हैं। दोस्तों, रायगढ़ जिले के कुछ प्रमुख हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल रायगढ़, रायगढ़ मेट्रो केयर हॉस्पिटल, डॉक्टर RL हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, संजीवनी नर्सिंग होम, गायत्री हॉस्पिटल और एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आदि आते हैं। दोस्तों, रायगढ़ तक पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग और रेल मार्ग का उपयोग कर सकते हैं,
जहां सड़क मार्ग में रायगढ़ अपने निकटवर्ती शहरों बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर और झारसुगुड़ा जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है, वहीं रेल मार्ग में रायगढ़ रेलवे स्टेशन हावड़ा मुंबई रेल लाइन पर अवस्थित एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है और यहां से गुजरने वाली लगभग हर ट्रेन इस स्टेशन में रुकती है। वहीं रायपुर एयरपोर्ट की दूरी यहाँ से लगभग 243 किलोमीटर है। दोस्तों, रायगढ़ जिला भारत के प्रमुख स्टील और पावर प्रोड्यूसिंग जिलों में गिना जाता है। इस जिले में कई सारे स्टील और पावर प्लांट हैं, जिनमें JSPL, MSP और मोननेट स्टील मुख्य कहे जाते हैं। रायगढ़ जिला ढोकरा कास्टिंग या बेल मेटल कास्टिंग और दो तरह के सिल्क यानी कि तसर सिल्क और मलबरी सिल्क के लिए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में चर्चित है। दोस्तों, रायगढ़ जिले के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है, जबकि विगत वर्ष के रिपोर्ट के अनुसार इस जिले का पर कैपिटा इनकम 26,344 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। दोस्तों, रायगढ़ जिले में बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी, कुड़ुख, उड़िया और उराव मुख्य रूप से शामिल है। रायगढ़ अपने रायगढ़ घराना के कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। महाराजा चक्रधर सिंह के सानिध्य में रायगढ़ जिले में आर्ट और कल्चर को एक खास जगह दी गई थी। प्रत्येक वर्ष गणेश पूजा के अवसर पर रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है, जो कि अपने स्पेशल म्यूजिक और डांस के लिए जाना जाता है। दोस्तों, क्राइम रायगढ़ के मुख्य समस्याओं में शामिल है। 2018 के भारतीय सरकार के एक रिपोर्ट के अनुसार रायगढ़ जिले का क्राइम रेट 218.21 है। तो दोस्तों, रायगढ़ जिला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लें, ताकि हमारे चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगली वीडियो आप किस शहर या किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।